रस्ते में मैं फुटपाथ पे बैठी थी गाड़ी की, और जब भी तालिबान की चेक पॉइंट्स होती थी तो मेरी हस्बैंड मेरे ऊपर बैग रखते थे कि कोई ना पहचाने कि क्या है अंदर। मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे जानना है कि आपके लिए लॉ क्या है, शरिया लॉ क्या है। अगर वो चाहते हैं कि चलो मैं बुरका पहनूं, उनसे बात करूं, चाहे जो शर्त वो रखेंगे मैं हाजिर हूँ। सबकी हेल्प चाहती हूँ, सबसे यही दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी आवाज़ उठाने में मेरी हेल्प करें, और मुझे हेल्प करें कि मेरी आवाज़ तालिबान की लीडरशिप तक पहुँचे, और उनसे जो बात करना है, जो उनसे अगर वो चाहते हैं, जो जो लीडरशिप है, अगर वो चाहते हैं कि चलो मैं बुरका पहनूँ, उनसे बात करूँ, वो मेरे फेस ना देखे, मैं उनसे बात करूँ। जैसे अगर वो चाहते हैं कि मैं अफगानिस्तान आके उनसे बात करूं, अगर वो चाहते हैं कि नहीं बाहर कहीं मुल्क में बैठ के मैं उनसे बात करूं, चाहे जो शर्त वो रखेंगे मैं हाजिर हूँ, जो शर्त भी हो, लेकिन सिर्फ हाजिर हो कि वो शोर करे और वो मुझे बताए कि हाँ वो बात करना चाहते हैं। अगले दिन भी हम जो एयरपोर्ट निकले तो वहाँ पे जो कार था, जो गाड़ी थे, वो हमें यूएस गवर्नमेंट की थ्रू से मुझे प्रोवाइड हुआ। रास्ते में मैं फुटपाथ पे बैठी थी गाड़ी की, और जब भी तालिबान की चेक पॉइंट्स होती थी तो मेरी हस्बैंड मेरे ऊपर बैग रखते थे कि कोई ना पहचाने कि क्या है अंदर। तो उसी तरह हम पहुंच गए गेट, और गेट जब हम पहुंच गए वहां पे तो बहुत सारे तालिबान थे, और मुझे ना मैं बहुत डर रही थी कि अगर वो पहचाने कुछ करे तो मेरी तो कोई नहीं, मैं तो मर जाऊंगी या नहीं, लेकिन मेरी मम्मी अगर कुछ हो जाए उसके सामने तो वो तो उसी टाइम उनके ऊपर जो आ रहा था वो तो बहुत बुरा था। लेकिन उसी टाइम जो मेरी कॉन्टैक्ट्स थे यूएस गवर्नमेंट की, क्योंकि वह दिन था और यूएस में रात थी, और इस नेटवर्क प्रॉब्लम भी आ रहा था, हर किसी को उसी टाइम में कॉल कर रही थी और मैसेज कर रही थी। तो बाय द चांस आई गॉट द फ्यूचर एम्बेसडर फॉर तुर्की एम्बेसी इन काबुल। देन वी गॉट टू तुर्की एंड फ्रॉम तुर्की टू जर्मनी एंड या वी आर हियर। स्पेशली फॉर मी ना, अपनी अपनी बहुत सारा लाइक योर ओल्ड एंड सिक मॉम को पेट में छोड़ के तुम आ रहे हो कहीं, तुम आ रहे हो कहीं दूर और उसको छोड़ रहे हो, तो मेरे लिए अपनी वतन को छोड़ना इससे ज्यादा था। और जो पेन था वो मेरी डैड की गुजरने की पेन से भी ज्यादा पेन था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी डैड से, जब जो पेन में उनकी गुजरने की बात में मैंने देखा और सहा, मैं नहीं सोच रही थी कभी भी वो दोबारा हो जाए या कभी उससे ज्यादा कुछ हो जाए मेरे साथ। लेकिन जिस टाइम मैं प्लेन को बोर्ड कर रही थी वो उससे ज्यादा था, और उससे मेरी पापा को मारा, आप मुझे मारने चाहते थे, मेरी
मेरी हस्बैंड को मारना चाहते थे, मेरी मम्मी की सारी ड्रीम सारी लाइफ सब कुछ बिगाड़ दिया आपने। लेकिन मैं ये सब भी सब सब कुछ को जैसे मैं भूलूंगी और जैसे मैं भूल कर लाइक थ्रू बैक करूंगी, और मैं अपनी ग्रीफ अपनी पेन पे ओवरकम करके मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं बात करना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि उनकी जो ये शरिया लॉ है, जो शरिया लॉ की बात करते हैं वो है क्या, वो कैसे लॉ है, वो किस लॉ की बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, मैंने भी बहुत सारी इस्लामिक किताबें पढ़ी हैं, मैं जो कुरान शरीफ है उसकी हाफिज हूँ। तो मुझे जानना है कि अपने आपके लिए लॉ क्या है, शरिया लॉ क्या है। और दूसरा मैं आप उनको बताना चाहती हूँ कि जो वोमेन है अफगानिस्तान की, जो महिलाएं हैं अफगानिस्तान की, वो क्या चाहते हैं, उनके लिए राइट्स क्या है, उनके लिए फ्यूचर क्या है, उनकी आज क्या है। उसको अभी तालिबान को यही जो आइडिया है उनकी, वो तो यही है कि अफगान वोमेन हमारी से वेस्टर्न राइट्स जो गर्बी आजादियां हैं वो चाहते हैं। नहीं यार, मुझे गर्बी आजादियां नहीं है चाहिए, मुझे वही आजादियां चाहिए जैसे आप जैसे हमारी मलाला मेवंत होता अफगानी, जैसे अफगानिस्तान की पाशाह अहमद शाह अब्दाली की मम्मी की होती, जिसे उनकी वाइफ और उनकी बेटियों की थी, जैसे अफगानिस्तान की राबिया बल्खी की थी और उनकी जितनी फ्रेंड्स है उनकी होती, जैसे बेगम सुरैया को था, जैसे और ये तो अफगानी कल्चर के अंदर थी, जो अफगानिया कल्चर की बाहर आएंगे तो वह इस्लामिक कल्चर और इस्लामिक दौर की बात है। मुझे वही आजादियां चाहिए जैसे हजरत मोहम्मद की बीबियों की थी, मुझे वही आजादियां चाहिए जैसे हजरत मोहम्मद की जितनी आले खानावादा है उनकी बेगम और उनकी जितनी महिलाएं हैं उनको थी। मुझे मेरी बेसिक राइट्स चाहिए, मेरी बेसिक राइट्स मेरी एजुकेशन है, मेरी गांव है, मेरी सोसाइटी में इन्वॉल्व होना है, यही मेरी बेसिक राइट्स है। वो अलाउ करे कि मैं यूनिवर्सिटी जाओ, और वो मुझे अलाउ करे कि हाँ महिलाओं को स्कूल जाने की इजाज़त है, उनको काम करने की इजाज़त है। जब ये इजाज़तें ये लॉज इन्फोर्स हुए और ये सब हो गए मेरी लिए गवर्नमेंट की अंदर, चाहे वो जो भी वो गवर्नमेंटल टाइप जो भी हो, जब वो उसके अंदर मेरे लिए गारंटी हुआ, तो फिर मैं उसकी बात देख लूंगी कि चलो क्या होता है, जैसे मैं यूनिवर्सिटी बुरका पहन के जाऊँ या स्कार्फ पहन के, मैं जीन्स पहन के जाऊँ या लॉन्ग ड्रेस पहन के, ये सेकेंड पार्ट से और ये बादी की बात है। ट्राई करती हूँ कि मेरी आवाज़ तालिबान की लीडर तक पहुँचे, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो वोमेन है अराउंड द ग्लोब, मैं उनसे चाहती हूँ कि वो सब एक सोलिडरिटी में, एक एक मूवमेंट में आके अफगान वोमेन की सोलिडरिटी में खड़े होंगे, उनकी आवाज़ को सुन के और उनकी उनकी आवाज़ में को स्प्रीड करने में उनकी हेल्प करें। क्योंकि मेरे लिए तो यही है कि अगर एक औरत कहीं पे भी दुनिया की कहीं पे भी प्रॉब्लम में, वो दुनिया की हर औरत की प्रॉब्लम होती है।